वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ अपने खेतों की सैर, अपने गांव की सैर। तो आज दिवाली और आज के दिन हम अपने खेतों पे जाके दिए जलाते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। भैया प्रमोद सिंह, इनका भी चैनल है, क्या नाम है चैनल का? प्रमोद पीएस के। ये हमारे छोटे भाई मनीष, इनका कोई चैनल नहीं है, हमारे व्यूअर है। और ये पापा है जो तीनों का चैनल देखते हैं, मतलब दोनों का चैनल देखते हैं। दोस्तों आज दिवाली, और दिवाली में हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम अपने खेतों पे और जो भी हमारी लैंड्स वगैरह है वहाँ पे जाके दिए जलाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है, रोड पे खड़ी है, और इधर हमारे खेत हैं पगडंडी से पार करके। चलिए आपको ले चलते हैं, और हमारे भाई लोग भी आए हुए हैं। चलिए अपने खेत दिखाते हैं आज आपको। रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पे होगी, यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, बट हम पैदल जा सकते हैं, बाइक जा सकती है। वो मेरे भाई लोग जा रहे हैं सामने। काफ़ी दिनों बाद हम तीनों भाई और पापा आए हैं यहाँ पर, वरना मैं और पापा आ जाते थे। इस बार लकीली तीनों को आने का मौका मिल रहा है, तो बीच बीच में आते रहना चाहिए, इससे अपने खेत की पहचान भी होती है, नहीं तो इसमें कोई नेम प्लेट तो होता नहीं है। तो हम जल्दी ही सनसेट होने से पहले दिया जला के निकल जाएंगे, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। हमारे खेत के बाउंड्री, और मेरे पापा ने लगभग 25 साल पहले लगाया था ये पेड़ सागवान का, जो काफ़ी अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है। इसका कलर चेंज होते रहता है हर मौसम में, काफ़ी अच्छा इसका मोटाई हो गया है। पटाखों की आवाज़ अभी से आ रही है। तो ये हमारे खेत हैं, थोड़े से यहाँ के धान बारिश में शायद लेट गए हैं, उधर के ठीक है। और इधर हमारे पड़ोसी का खेत है जिसमें खेती होती है सब्जियों की, अभी करेला वगैरह लगा हुआ है, तो इनका सब्जी की खेती होती है। हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं राइस की। और वहाँ से दूर पे आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे ट्रेन की, तो वहाँ से ट्रेन लाइन जाती है जो, तो ये काफ़ी अच्छा है, लगभग 10-15 पेड़ लगाए हुए थे यहाँ पे। तो ये हमारे खेत के मेड़ में लगे हुए हैं, तो 25 साल पहले लगा के पापा ने काफ़ी सही काम किया था, इससे ग्रीनरी तो रहती है, साथ में एक अपना लगाव हो जाता है पेड़ों से, और इसको बढ़ते देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी है, और ये हमारे खेत। पापा लोग फिर आगे पहुंच गए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी स्लो बढ़ते हैं सागवान के पेड़, 25 साल में इतने मोटे हुए हैं ये, बिल्कुल छोटे से लगाया था इनको। और वहाँ मालगाड़ी जाते हुए आप देख सकते हैं, वो छोटा सा जो जगह है वहाँ पे हमने छोटा सा ट्यूबवेल का जो स्टार्टर वगैरह लगा हुआ है, स्विच वगैरह वो है, और कोई कंस्ट्रक्शन हमने किया नहीं है। तो इस साल थोड़ा सा ये फसल लेट गई है, ये ठीक नहीं लग रहा है, छाया पड़ने की वजह से ऐसा हो जाता है, ऐसा पापा बता रहे हैं। बाकी फसल ठीक है। और इधर राइट साइड में भी थोड़े से हमारे खेत हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और बरसात के बाद ठंड में जाना अपने खेत थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये देखिए झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं, झुक के जाना होता है बच बच के, तो हम वहाँ जा रहे हैं बच बच के। तो अपना अलग एडवेंचर होता है, और बारिश के समय जाना तो बहुत ही ट्रिकी होता है, सिर्फ स्पेशलिस्ट आदमी जा सकता है उस समय। जो हम जहाँ पे दिया जलाने वाले हैं, वहाँ ट्यूबवेल, ये स्टार्टर रूम पंप का, और इधर के खेत भी हमारे हैं। चलिए तो आज का पहला दिया जलाते हैं। गांव में रहना बहुत इजी नहीं होता, ये सारी कसरत आपको करनी होती है, तो आप इससे फिजिकली फिट तो रहते ही हैं। मीठा नीम लगा हुआ है, मीठा नीम की पत्ती है, काफ़ी अच्छी खुशबू है। ट्यूबवेल है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है खेतों में। अदरक के पौधे हैं, ये नींबू का पौधा लगाया हुआ है, ये भी नींबू है, वो हल्दी है, हल्दी के पौधे का पौधा है,
कितने दिन बाद आ रहा है? लगभग एक साल बाद। एक साल बाद आ रहा है मुन्ना। भैया कितने दिन बाद आ रहा है तू? डेढ़ दो साल बाद। और पापा तो आते रहते हैं। और धान के पौधे पास से कुछ इस तरीके से दिखते हैं जब पक जाते हैं। और तेल इसमें पैक करके लाए हैं हम, ताकि लीक ना हो। और हम अपने डिफरेंट जगहों पे जलाते जाएंगे इस तरीके से, एक एक दो दो दिए। देखिए आप मालगाड़ी जाते हुए देख सकते हैं। पापा ने बताया कि ये सफ़ेद शीशम का पेड़ है और ये तेंदू का है क्या? पलाश का पेड़ है। कपड़ा चट्टी दे दे लाला। और ये अगर आप पहचानते नहीं है तो बबूल का पेड़ है। ये बबूल का पेड़ इतना बड़ा हो गया है। वैसे तो आप जानते ही होंगे काफ़ी कॉमन है। पर थोड़ी सी आरती हम कर लेते हैं। चलते हैं वापस दूसरे खेत की तरफ। जैसे जिन्होंने देखा नहीं हो, करेला कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हमारे पड़ोस में, और इसको हम रखिया बोलते हैं जो यहाँ पे, जिससे पेठा वगैरह भी बनता है, बड़ी बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए वापस अब दूसरे खेतों की तरफ, क्योंकि हमें काफ़ी सारा कवर करना है और घर पे जाके पूजा भी करनी है। हमारे पापा पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं, उनके डायरेक्शन में हम सब चल रहे हैं। फिलहाल चलते हैं दूसरे खेतों की तरफ। आगे पापा लोग पैदल चले गए हैं, वहाँ पर है, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा ताकि इतना दूर वापस ना आना पड़े। पहचान वाले मिल गए हमारे, शायद चाचा जी मिल गए हमारे। और भाई लोग पता नहीं हो तो ये कदम का पेड़ है, कदम का पेड़ जो कृष्ण जी का फेवरेट था वो वाला। तो ये हमारे पापा ने बताया है, हमें भी नहीं पता था पहले। चलिए अब दूसरे खेत पे चलते हैं। आप खेत जाते हैं तो कुछ ऐसे रास्तों से भी आपको होना पड़ता है, हर जगह का रास्ता कुछ अलग रहता है। फिलहाल पेड़ का पेड़ है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो पहचान सकते हैं पत्तियों से। फिलहाल तो बेर नहीं लगे इसे, गर्मी में शायद होंगे। हैं सबसे छोटे वाले। अच्छा जी, काफी फेमस है उन्नत किसान होने के नाम से, इनको रेडियो में भी बुलाया गया है ना। आपको सफल खेती कर रेडियो और टीवी सब। तो सब जगह आए हुए हैं, आप भी इनको देख सकते हैं रेडियो टीवी आने वाले समय में भी। फिलहाल तो गाड़ी खड़ी करके हम आए हैं अपने पूर्वजों का, जहाँ पे बोला जाए स्मारक है वहाँ पर ये रास्ता है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का रास्ता मुश्किल हुआ करता था झाड़ियों की वजह से। तो दिवाली में इसी बहाने हम अपने पूर्वजों को भी याद कर लें, इसी बहाने जा रहे हैं वहाँ पे। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। चारों तरफ देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है। ये वैसे तो आसपास में आदिवासी एरिया है, अचानक मार्ग टाइगर रिज़र्व यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे काफ़ी पक्षी वगैरह आते हैं, आसपास बर्ड वॉचिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। कोई आगे कोई पीछे यहाँ पे आएगा और दिया जला के जाएगा। तो एक श्रद्धांजलि हम अपने पूर्वजों को इसी बहाने दे पाते हैं, क्योंकि इस बिज़ी लाइफ में, सिटी लाइफ में ये सब समय नहीं मिल पाता है। तो एक अच्छा ओकेज़न है हमारे लिए पूर्वजों को याद करने का। मतलब हमारे बाबा कमोद सिंह छत्री तुम्हारे पर दादा है, मतलब 1974 में हुआ था इनका देहांत, जुलाई के महीने में। 1974 जुलाई, 17 जुलाई ऐसा कुछ है। उसी दिन लाला का बर्थडे है। अच्छा। ऊपर में हम यहाँ प्रसाद चढ़ा देते हैं हर जगह, ताकि कोई भी जीव जैसे चींटी वगैरह खा पाए और किसी भी जीव को कुछ खाने मिल पाए। और ये हमारे दूसरे चाचा हैं यहाँ पर। और चाचा प्रणाम। थोड़ा सा ट्रिकी रास्ता है आज, पूरी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये भी एक फिजिकल फिटनेस बढ़ाने का एक तरीका है, गांव अपने खेत आते रहें। तो पापा ने बताया वहाँ पे हमारे पूर्वजों का दाह संस्कार हुआ है काफ़ी पीढ़ियों से।
इसलिए थोड़ी फ्लावर्स वार्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसी और ने दिया जलाया हुआ है, काफ़ी होली प्लेस लग रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, तितलियाँ घूम रही हैं। चाचा हमारे मिले थे, उनका खेत ये है, काफ़ी अच्छी फसल है यहाँ, क्योंकि छाया वगैरह नहीं है तो कोई फसल गिरी नहीं है, काफ़ी अच्छा धान है। ऐसा पापा बता रहे हैं, मुझे तो धान का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, और इधर थोड़ा बाद में लगा हुआ है इसलिए हरा दिख रहा है। वो दूर तक के है ये खेत, हमारे चाचा का है और भाई लोग यहाँ पे दिया जला रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे दादा दादी का दाह संस्कार हुआ था, हम काफ़ी छोटे थे उस समय। दादी की जो दाह संस्कार वाली जगह है, स्मारक है, वहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ लाइफ में। एक बार लगभग 5-6 साल पहले आया था, काफ़ी शांति लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा पैसा हो गया ना, वजन हो जाता था पहले, सीधा चलता था। हाँ, तो ज़्यादा पैसा को ना बीच बीच में ऐसे गड़ा गड़ा के रखते थे। हुँ. तो वो लोग गड़ाए थे और भूल गए। हुँ. ऐसा बताते हैं हिस्ट्री। अच्छा चलो, ऐसा मानते हैं, ऐसा बताते हैं पुराने लोग कि इस रास्ते से बंजारे जाते थे रतनपुर, तो ये रास्ता अपनाते थे। तो इसमें एक बार खुदाई में हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि सिक्के का एक बर्तन मिला था, सिक्के से भरा हुआ। तो जो बंजारे होते थे वो अपना एक्स्ट्रा मनी बीच बीच में छोड़ देते थे हैवी होने के कारण, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ मिला था, तो जो खोद रहे थे इसको उनको ही हमारे दादा ने बोला कि आप ले जाइए, आपको मिला है। तो ऐसी एक कहानी है बोला जाए, या एक फैक्ट है पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पत्थर जो है आसपास में कहीं और पत्थर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। ये पहले हमारे चाचा के खेत के बीच में था, बताते हैं। तो इसको किनारे किया गया ताकि खेत बन सके अच्छे से। तो ये कुछ पत्थर हैं, बाकी आसपास के कई किलोमीटर के एरिया में कोई भी पत्थर नहीं है। तो आज के दिन आपको जगह जगह ये भी सागौन का ही पेड़ लगा हुआ है। ये पत्ता अभी मेरे सामने गिरा, ब्यूटीफुल लगा। नेचर है, नेचर का अपना ही एक क्रेज़ होता है, अपना ही एक लगाव होता है। तो भाई लोग फिर आगे चले गए, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गया, पकड़ते हैं उनको। देख सकते हैं हम कितनी सही टाइमिंग में आए। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, ऐसे खेत पे जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम 4:30 के राउंड आते हैं और 1-1.5 घंटे में दिया जला लेते हैं, ख़ास तौर पे खेतों का। क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे जो बारिश में झाड़ियाँ उग जाती हैं, इसमें कोई जानवर भी रह सकता है, सांप वगैरह, इसलिए उजाले में आना ही सेफ है। चलिए थोड़ी सांस फूल गई है। यहाँ भी आप दिया देख सकते हैं। तो आज दिवाली में पूरे गांव के लोग ऐसे ही करते हैं, तो आपको जगह जगह पे दिए दिखेंगे। हम रहते हैं बिलासपुर में, वहाँ से हमारा जो गांव है वो है लगभग 23 किलोमीटर दूर। तो हम 23 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे दिया जलाने और एक रिचुअल निभाने, एक परंपरा निभाने। गाड़ी के पास अभी और कार से थोड़ी दूर जो खेत है वहाँ चलेंगे। नहर, कच्चा नहर ही है, और इसके शहर के किनारे के रास्ते से हम आए हैं यहाँ पे अपने दूसरे खेत के पास। वो हमारा नहीं है, वो किसी का फार्म हाउस है। तो ये कार हम खड़े करके जाएंगे नहर के इस ब्रांच के किनारे, उधर हमारा एक खेत है, चलिए वहाँ पे मिलते हैं। देख पा रहे होंगे 5:40 हो रहा है, सनसेट लगभग हो गया है और थोड़ा सा रोशनी आ रहा है, ऑरेंजिश काइंड ऑफ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सिलियारी नाम है इन पौधों का, और गोवर्धन पूजा के दिन इनका यूज़ सजाने में होता है भगवान को। और हम यहाँ दिया जला रहे हैं इन पौधों के ठीक नीचे लाइट। लंबे वाला हमारा खेत ये है, फिर ये वाला जगह नहर में चला गया था, तो यहाँ भी हमारा खेत था, बट अब वो वाला है हमारा
ये वाली जगह सरकार ने ले ली है। कच्चा नहर बना हुआ है, फ्यूचर में मे भी इसको पक्का किया जाए। और वो हमारी प्यारी गाड़ी, ये हमारा वो जगह है जहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, एक दो रूम बनाने वाले हैं। मेरे पापा को शौक है काफ़ी कि यहाँ पे उनका घर रहे गांव में, तो वो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा अभी चल रहा है, आपको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ मंदिर है जिसको माता चौरा बोलते हैं, ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा। अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, और ये गांव का माहौल पूरा धार्मिक गानों से। ये हमारे चाचा का घर है छोटे वाले जो मिले थे हमको, तो अभी अंधेरा हो गया देख सकते हैं। चलते हैं बिलासपुर की तरफ और वहां पे दिवाली का बाकी पूजा करते हैं घर पे, लक्ष्मी जी की आरती वगैरह। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। हनुमान जी की मूर्ति जहाँ पे भी हमको जलाना है दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल, पीछे विशाल वाटर वृक्ष का पेड़ और यहाँ तालाब कि हमारे परिवार ने ही पेड़ लगाया है, काफ़ी बड़ा हो गया है जो, तो यहाँ भी दिया जलाएंगे एक।